बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, हिंसा अभी भी थमी नहीं है और छात्रों के अल्टीमेटम के बाद देश के चीफ जस्टिस ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों का एक बड़ा दल भारत सीमा के पार देखा गया और वे भारत में घुसने के प्रयास कर रहे थे, ऐसी जानकारी सामने आई। लेकिन इसी बीच में शेख हसीना को लेकर के एक बड़ा दावा किया जा रहा है, दावा किया है उनके बेटे साजिब वाजिद ने, जो कि इस समय अमेरिका में है और उनके सलाहकार भी माने जाते हैं। शेख हसीना इस समय भारत में है और किसी सेफ हाउस में सुरक्षित है। हालांकि वो बांग्लादेश कब लौटेंगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन साजिब वाजिद ऑनलाइन माध्यम से अमेरिका से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान कई पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे और बांग्लादेश के जो हालात हैं उस पर पूरी की पूरी जानकारी लेने की कोशिश की और इस दौरान उनके बयान भी सामने आए हैं, जिसमें कि साजिब वाजिद ने एक बड़ा दावा किया है कि शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया है। जी हाँ, शेख हसीना के इस्तीफे के बाद वकार उस जमा ने ही ये स्पष्ट किया था कि उन्होंने इस्तीफा आधिकारिक तौर पर दे दिया है, लेकिन अब उनके बेटे ने ये साफ किया है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और उन्हें इस्तीफा देने का टाइम ही नहीं मिला था। जब बांग्लादेश से भी जा रही थी तो इस दौरान उन्हें जो समय मिला हुआ था उस समय के दौरान वो इस्तीफा देना चाहती थी, अपना अंतिम भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें इतना भी समय नहीं मिला क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उनके आधिकारिक आवास गणभवन को घेर लिया था। She was going to announce her resignation and announce a constitutional transition of power, which would be parliament holding new elections. No plans to leave her residence at all. She did not. That was completely. In fact, the reason this happened was this was completely unplanned. She was going to just resign. She did not wish to leave Bangladesh. Even when she was, when they took her to the helicopter, she did not want to leave Bangladesh. She told my aunt, "You get on the helicopter. I'm going to stay here." My aunt called me, I got on the phone, I convinced my mother to leave, that if they catch you, they will kill you. We can't have that. So, that is why. She was planning to just resign and hand over power. साजिब वाजिद के उस बयान के बाद अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे पर प्रश्नचिन्ह लग गया है और वकार उज जमा के आधिकारिक बयान पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वे बांग्लादेश छोड़कर जा चुकी है। फिलहाल वाजिब का ये बयान खासा वायरल हो रहा है। आपका इस बयान पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।